हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं सब लोग गाइस ये आपकी एडवांस्ड अकाउंट्स में बायबैक ऑफ शेयर्स की सेकंड क्लास है आई होप आपने सब ने फर्स्ट क्लास पहले देख ली होगी फर्स्ट क्लास में हमने बायबैक ऑफ़ शेयर्स के बेसिक्स डिस्कस किए थे हमने ये डिस्कस किया था कि बायबैक ऑफ़ शेयर्स कब किया जाता है और कैसे किया जाता है हमने मेजर पॉइंट जो उसके अंदर डिस्कस किया था मैं वो आपके साथ रिवाइज़ कर लेता हूँ हमने डिस्कस किए थे सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर बायबैक और वो हमने डिस्कस किया था कि आप दो जगह से बायबैक कर सकते हैं एक था आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा था आउट ऑफ प्रॉफिट्स ये दो सोर्सेस थे हमारे पास हमने इनपे डिटेल डिस्कशन करी थी मैंने आपको यह भी बताया था कि वेन एवर द शेयर आर इशूड आउट ऑफ प्रॉफिट उस केस में एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक आउट ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू सी आर आर ठीक है ना आपको उसको सीआरआर में ट्रांसफर कर देना चाहिए लेकिन अगर आप आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर करते हैं तो आप नया पैसा ला रहे हैं बिजनेस में तो जो हमारे लेंडर्स हैं उन्हें कोई रिस्क नहीं है इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है आपको कोई अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए मैं आप, आपके साथ एक सिचुएशन डिस्कस करता हूं मान लीजिए आप फाइव लेट्स से फिफ्टी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं एट द रेट रुपीस थर्टी पर शेयर लेट से आपका ये प्राइस है ठीक है ना बाय प्राइस है रुपीस थर्टी पर शेयर फेस वैल्यू एक शेयर की रुपीस टेन है ठीक है एग्जाम्पल समझ में आ रहा है अब अगर हम देखें तो टोटल बाय बैक वैल्यू जो है वो फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री है ठीक है है जी वो सो दैट कम्स आउट टू बी रुपीस फिफ्टीन लैक्स है लेकिन अगर आप ये बात समझें कि सी कितना बनाना है तो अगर मैं कहूं कि ये सारा का सारा इशू एंटायरली आउट ऑफ प्रॉफिट है ये सारा का सारा बाय बैक सॉरी ये सारा का सारा बाय बैक एंटायरली आउट ऑफ प्रॉफिट है तो आपको केवल फेस वैल्यू के बराबर सीआरआर में ट्रांसफर करना है यानी आपको रुपए दस इंटू पचास हजार शेयर यानी केवल पांच लाख रुपए सीआरआर में ट्रांसफर करने हैं, यह याद रखिएगा इज दैट ओके अगर मैं इसके अंदर ऑल्टरनेटिवली एक ऑप्शन आपको दूं कि फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक उू थाउजेंड शेयर्स ऑफ टू थाउजेंड प्रेफरेंस शेयर कह देते हैं चलो टू थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच आर बीइंग इशूड फॉर रुपीस हंड्रेड एंड फोर्टी ईच तो यानी चालीस रुपए का प्रीमियम है इसके अंदर राइट right? तो अब आपका सवाल यह बनता है कि आप कितना सीआरआर बनाएंगे ठीक है यह सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं दैट यू आर प्लानिंग टू बाय बैक फिफ्टी थाउजेंड शेयर एट द रेट रुपीज थर्टी पर शेयर एक शेयर की फेस वैल्यू दस रुपए पर शेयर है ठीक है तो टोटल आपका जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो पंद्रह लाख है ये चीज मिटा देते हैं ये फेस वैल्यू थी और अब आपसे कह रहे हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक टू थाउजेंड ट्वेल शेयर हंड्रेड इच आर इशूड फॉर रुपीज हंड्रेड एंड फोर्टी ईच ठीक है तो आपको यह पता लगाना है कि सी आर आर में कितना अमाउंट जाएगा बेटा जी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे सी आर आर में कितना अमाउंट जाएगा यह पता लगाना बहुत आसान है बस आपको एक फ्रेज याद रखना है हमें जो भी कंपैरिजन करनी है वो फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू करनी है ये बात समझ में आ रही है क्या करनी है फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू यानी कि हम जितने भी शेयर बाय बैक कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू को कंसिडर करेंगे और कंपेयर करेंगे जितने भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं फ्रेश इशू उसकी फेस वैल्यू पे समझ में आ रही है फेस वैल्यू पे क्लियर है पक्की बात फेस वैल्यू पे कंपेयर करना है ठीक है बेटा तो यहां पे जैसे इस एग्जांपल में हम देखें कि जो शेयर्स हमने बाय बैक करने हैं उनकी फेस वैल्यू क्या है उनकी फेस वैल्यू है पांच लाख रुपए कैसे पता पांच हजार सॉरी पचास हजार शेयर हैं दस रुपए का एक शेयर फेस वैल्यू है राइट तो इस पांच लाख रुपए में से अब हम देखेंगे कि फ्रेश इशू कितने का हो रहा है और फ्रेश इशू में भी बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू कंसीडर करूंगा प्रीमियम कंसीडर नहीं करूंगा तो भाई कितने शेयर इशू हो रहे हैं 2000 और 2000 एक शेयर की एक फेस वैल्यू क्या है ₹100 तो बेटा जी 2000 ₹100 यानी कि ₹2 लाख आउट ऑफ फ्रेश इशू हो रहे हैं इज दैट क्लियर तो जो रिमेनिंग बचा जो रिमेनिंग बचा रुपए तीन लाख इसको हम मानेंगे कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट है और इसीलिए इसे हम क्या करेंगे ट्रांसफर टू सी ठीक है बेटा ट्रांसफर टू सी फिर उतना ही करेंगे प्लीज इस बात को ध्यान से समझो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट यू विल हैव टू ट्रांसफर टू सी आर आर यू विल हैव टू कंपेयर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉटबैक टू द फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश शेयर दैट आर ई शूड एंड द रिमेनिंग अमाउंट शैल बी कंसिडर टू बी आउट ऑफ प्रॉफिट ठीक है वैसे अगर आप सोचें बाय बैक के लिए तो आपको पंद्रह लाख रुपए चाहिए ना पंद्रह लाख रुपए चाहिए क्योंकि पचास हजार शेयर आप तीस रुपए में बेच रहे हो भाई और अगर यहां कंसिडर करें फ्रेश इशू से जो टोटल प्रोसीड आ रही हैं वो तो बेटा जी दो हजार इंटू एक लाख सॉरी एक सौ चालीस रुपए आ रही है ना सो दैट इज समवेयर अराउंड दो लाख अस्सी हजार बेटा समझ में आई तो दो लाख अस्सी हजारंसिडर नहीं करा पंद्रह लाख को कंसिडर नहीं करा फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू कंपैरिजन करिए तभी आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे कि आपको सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है ठीक है अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको अपने स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था ठीक है मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर थ्री होमवर्क में दी थी ठीक है तो चलिए एक बार ना देख लेते हैं फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर थ्री में क्या था और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आई हो तो इसलिए इसको एक बार निपटा लेते तो डी लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी द फर्निश दैलेंस एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन लाइबिलिटीज है उसकी शेयर कैपिटल है ऑथोराइज थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड है रुपीज इन थाउजेंड है तो बेसिकली थर्टी लैक्स हो गई ठीक है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में टू लैक फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हो गया ठीक है ना एक्चुअली में ट्वेंटी फाइव लैक है टू थाउजेंड टेन परसेंट प्रेफरेंस रूपीज हंड्रेड इच ये टू लैख था टू हंड्रेड हो गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है कि इशूड टू मंथ्स बिफोर बैक फॉर द पर बैक यानी यहां पे बाय बैक करने के लिए आपने दस परसेंट प्रेफरेंस शेयर खरीदे सौ रुपए के दो हजार और इनकी फेस वैल्यू दो सौ है सर इन्हें प्रीमियम पे भी तो इशू किया हो सकता है हां सिक्योरिटीज प्रीमियम में होगा ना वो प्रीमियम अमाउंट जितना भी होगा हमें उससे क्या लेना देना ठीक है फिर यहां पे कहते हैं चलो रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व है एक हजार का रेवेन्यू रिजर्व है तीन हजार के सिक्योरिटीज प्रीमियम है बाईस सौ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पैंतीस सौ का करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन है फोर्टीन हंड्रेड की फिर यहां पे टोटल आ गया बैलेंस शीट का वन थर्टी एट डबल जीरो फिर एसेट्स में फिक्स एसेट्स है इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस में कह रहे हैं इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। कह रहे 20 50 purpose, 22 अब देखो उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो थ्री थाउजेंड अगर पीछे तीन जीरो लगा दे तो तीस लाख रुपए की है और हमने उन्हें बाईस लाख रुपए में बेच दिया है घोर नुकसान किया बेटा एंट्री पास कर देंगे हमें क्या हमारे कौन से घर से जा रहा है ठीक है ना तो यहां पे यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ये हमसे कह रहे हैं तो चलो एक बार कर लेते हैं तो ये हमारी इलस्ट्रेशन थ्री है सबसे पहली जर्नल एंट्री तो आप बेचने की कर दो इन्वेस्टमेंट्स को बैंक अकाउंट डेबिट ट्वेंटी टू हंड्रेड क्योंकि क्वेश्चन की तरह हम भी रुपीज इन थाउजेंड ले रहे हैं तो 22 लाख को हम कितना लिख रहे हैं 2200 ठीक है रुपीज इन थाउजेंड है ओके फिर आगे यहां पे थर्टी थाउजेंड की है तो लॉस हो रहा है तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे 800 हंड्रेड आठ लाख रुपए का लॉस हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट थ्री थाउजेंड तो ये यहां पर जो थ्री थाउजेंड है यह निपट गया सारा ठीक है उसके बाद हमने बाय बैक करना है बैक करने हमने 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट द रेट फिफ्टी पर शेयर तो यहां पे अगर हम देखें तो टू लैफ्टी था इसका 20% निकाले तो बेटा 50,000 थाउजेंड शेयर आता है तो 50,000 थाउजेंड शेयर हम पचास रुपए प्रति शेयर पे खरीद रहे हैं तो इसकी जर्नल एंट्रीज हम क्या करेंगे हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट ठीक है जी अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा आपने फिफ्टी थाउजेंड शेयर बाय बैक करने हैं हर शेयर की फेस वैल्यू दस रुपए है तो पांच लाख रुपए आना है। तो यहां पे फाइव हंड्रेड आ जाएगा क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है अच्छा प्रीमियम कितना है फिफ्टी थाउजेंड इंटू चालीस रुपए का प्रीमियम है ना पचास रुपए में बाय बैक कर रहे हैं तो पचास माइनस दस चालीस ही होता है तो ये आ जाएगा आपका बीस लाख तो यहां पे टू थाउजेंड हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर होल्डर्स यहां पे ऑब्वियसली 2500 हो जाएगा 25 लाख रुपए के हिसाब से ठीक है ये बायबैक का टोटल अमाउंट हो गया फिर हम प्रीमियम को प्रोवाइड फॉर करवा लेते हैं क्या मेरे पास एसपीआर में एनफ बैलेंस है देखें क्वेश्चन में एसपीआर में मेरे पास 2200 है मुझे 2000 चाहिए तो मेरे पास एनफ बैलेंस है तो मैं एसपीआर से इसको कवर कर लूंगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स 2000 2000 बेसिकली 20 लाख रुपीस 000, हो गए तो ये निपट गया यहां से फिर मुझे क्या करना है सीआरआर में ट्रांसफर करना है नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान दें सीआरआर में ट्रांसफर करना सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे शेयर्स कितने बाय बैक हो रहे हैं मेरे शेयर्स बाय बैक हो रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड एक शेयर दस रुपए का यानी पांच लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स बाय बैक हो रहे हैं ये मेरे फेस वैल्यू है बाय बैक वाले शेयर्स की ठीक है ना अब इसके लिए हमने कुछ फ्रेश इशू कर रखा है पिछले महीने दो महीने पहले तो हम उस फ्रेश इशू की क्या देखेंगे टोटल प्रोसीड्स या फेस वैल्यू सर फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू बताया आपने तो फेस वैल्यू देखेंगे तो हमारी टोटल जो फेस वैल्यू है वो है टू हंड्रेड यानी टू लाख तो यहां से टू लाख रुपीज तो फ्रेश इशू है तो भैया फिर बचा हुआ कहां से आया आउट ऑफ प्रॉफिट तो जितनी फेस वैल्यू आपकी आउट ऑफ प्रॉफिट है उतना ही आपको सी बनाना है तो इसलिए आपको सी आर आर थ्री लाख का बनाना है ठीक है तो आप सी आर आर जो बनाएंगे थ्री लाख का कहां से बनाएंगे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है और आपके पास रेवेन्यू रिजर्व भी हैं। रेवेन्यू रिजर्व में से बना लेते हैं एंट्री करते हैं रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट तीन टू कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व 300, फुल फॉर्म लिखना पेपर में अगर आप कहते हो सर आंसर में तो रेवेन्यू रिजर्व नहीं पी एंड एल से करा गया बेटा मार खाओगे मेरे से नालायक मैंने हजार बार बता दिया रेवेन्यू रिजर्व पी एन एल अकाउंट दोनों सिमिलर नेचर के हैं दोनों इक्वल रैंक लगते हैं किसी को भी यूज करो दोनों ही फ्री रिजर्व है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है ऑल राइट चलो इसके बाद मुझे क्या करना है बेटा इसके बाद मुझे मेरे जो पेमेंट है वो कर देनी है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू अपना बैंक अकाउंट ठीक है तो ये आपका 2500 यानी 25 लाख रुपए हो जाएगा ठीक है बैलेंस शीट बेटा आपने बना ही ली होगी आई आई होप ये होमवर्क ही करा रहा हूं तो आप बैलेंस शीट तो एटलीस्ट होमवर्क में बना सकते हैं ठीक है मैं ज्यादा टाइम उन बच्चों का नहीं लेना चाहता जो होमवर्क ऑलरेडी करके बैठे ठीक है तो मैं नए टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा एक चीज मैं बता दूंगा बच्चों को आंसर में शायद कैश के अकाउंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये 1200 सौ से आया देखो बेटा मेरे पास जो करंट असेट्स थे जिनमें कहा गया था कि कैश बैलेंस भी है वो 1500 के थे ठीक है ना अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए कि 1500 हंड्रेड आपके पास पहले से थे 2200 आपके इन्वेस्टमेंट बेच के आए फिर इसमें से 2500 आपने दे दिए अपने बाय ऑफ शेयर्स के लिए तो 1500 प्लस 2200 3700 आता है 3700 में से 2500 आपने काटे तो यहां पे 1200 आएगा इज क्लियर बाकी इट्स इजी कंफर्टेबल आप कर सकते हैं ठीक है इलेस्ट्रेशन नंबर थ्री मैंने होमवर्क में दिया था फिर भी मैंने इसको आज थोड़ा सा कवर अप कर लिया ऑल राइट right, यहां तक बात सबको समझ में आती है बेटा क्या हम आगे बढ़ सकते हैं नए टॉपिक के लिए ठीक है चलो तो मैंने आपसे कहा था कि बाय बैक करना कोई आसान काम नहीं है बाय बैक के ऊपर कंपनीज एक्ट ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, ठीक है तो अब हम उन रिस्ट्रिक्शन को पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पे नया हेडिंग नया टॉपिक बनाएंगे कंडीशंस फॉर बाय बैक ठीक है बेटा जी कंडीशन फॉर बाय बैक इसमें तो सीधा सीधा सबसे पहले लिख लो द बाय बैक शुड बी ऑथोराइज बाय एओ ए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ए बॉडी कोई बड़ी सख्त चीज है जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते आराम से चेंज हो जाते हैं फिर कुछ हम ना इसके अंदर पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ बाय बैक ये हम अपने आप इसको नाम दे रहे हैं टेस्ट ऑफ बाय बैक है कंडीशन है बेटा है ये कंडीशन ही और ये टेस्ट ऑफ बाय बैक हमें किस चीज में हेल्प करेंगे ये भी हम देख लेते हैं टेस्ट ऑफ बाय बैक हमें किस चीज में हेल्प करेंगे ये हेल्प करेंगे हमें ये पता लगाने में कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय बैक कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे ये क्या सवाल हल करेगा हमारा हाउ मैनी बाय बैक ठीक है तो एक क्वेश्चन मार्क लगा के फिर ब्रैकेट बना दूं तो बेहतर रहेगा हाउ मेनी शेयर्स वी कैन बाय बैक ये हमारा सवाल हो गया इसके जवाब में Maximum number of shares that can be bought back shall be the least of the following. टेस्ट अब समझने वाली बात इसमें यह है कि कुछ टेस्ट्स हैं उन टेस्ट्स में हर टेस्ट में एक नंबर ऑफ शेयर्स आएगा दैट वी कैन बाय बैक लेट्स से मेरे पास तीन टेस्ट हैं अगर तो टेस्ट वन में मान लो पांच लाख आता है टेस्ट टू में चार लाख आता है और टेस्ट थ्री में आठ लाख आता है पांच चार और आठ ठीक है तो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों टेस्ट को कर रहा है क्या फाइव लाख कर रहा है फाइव लाख सर सेकंड टेस्टSatisfy नहीं कर रहा क्योंकि उसमें चार लाख है राइट right. क्या 8 लाख कर रहा है नहीं सर वो पहले दोनों टेस्ट को Satisfy नहीं कर रहा तो जो अमाउंट लीस्ट होता है वही तो तीनों टेस्ट को Satisfy करता है तो हमें एक ऐसा अमाउंट चाहिए जो तीनों टेस्ट Satisfy कर रहा हो इसीलिए बेटा हमें क्या देखना है हमें देखना है कि तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू दे टेस्ट वो वैल्यू तीनों टेस्ट को पूरा करेगी इसलिए वही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जो हम बाय बैक कर सकते हैं ठीक है तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा पहले टेस्ट की तरफ पहला टेस्ट है हमारा नंबर टेस्ट इसे हम क्या नाम देते हैं नंबर टेस्ट इसके अंदर लिखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी Bought back cannot exceed twenty five percent of the total number of shares outstanding. तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो हम बाय बैक करने की बात कर रहे हैं वो किसको एक्सीड नहीं कर सकते 25 परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग समझ में आ रही है तो यहां पे अगर हम पहले टेस्ट का आंसर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यहां पे कैसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग ठीक है ना तो जितने भी टोटल आपके पास शेयर हैं उनका 25% परसेंट मैक्स टू मैक्स आप बाय कर सकते हैं तो ये हमारा है टेस्ट वन तो टेस्ट वन बहुत सिंपल है सिंपली हम ये देख लेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके पास और आप उसका 25% फाइव परसेंट बैक कर सकते हैं दैट्स इट ठीक है बेटा चलो सेकेंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट है आपका रिसोर्स टेस्ट ये ये बताता है कि आप मैक्सिमम कितने रिसोर्सेस अपनी कंपनी के यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बाय ठीक है तो यहां पे लिखते हैं द मैक्सिमम रिसोर्सेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर बाय बैक Shall not exceed twenty five per cent of total paid up capital and free reserves of the कंपनी समझ में आ रही है और इसके अंदर आपको यह याद रखना है कि फॉर द परपस ऑफ बाय बैक कॉमा फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम याद है ना मैंने आपको बताया था ना फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम फ्री रिजर्व मानते हैं वैसे प्रिंसिपली सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है ठीक है ना क्योंकि इट इज नॉट अवेलेबल फ्रीली फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओके बेटा इस बात को याद रखना है आपने ठीक है इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंट ओके सो दी डू नॉट कैटेगराइज एज फ्री रिजर्व नॉर्मली बट फॉर द सेक ऑफ बाय बैक इट इज अलाउड टू बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व So, जब हमने ये देखना होगा कि मैक्सिमम हम कितने रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक तो हम देखेंगे अपनी टोटल अप कैपिटल और फ्री रिजर्व और इस फ्री रिजर्व में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी इंक्लूड करेंगे तो मान लीजिए आपके पास जो अप कैपिटल है एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ये लिखने की जरूरत नहीं है वो रुपीज इन अगर करोड़ की बात करते हैं करोड़ की बात कर रहे हैं बेटा तो यहां पे 200 करोड़ आपकी पेड अप कैपिटल है मान लेते हैं रिजर्व्स जो है आपके 100 करोड़ हैं फिर आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो 200 हंड्रेड है और फिर आपका एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है जो 300 हंड्रेड है और आपका एक कैपिटल रिजर्व है चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो जाए कैपिटल रिजर्व है ये एग्जाम्पल है आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये मान लो फोर हंड्रेड है ठीक है तो अब अगर हम बाय प्राइस लेट से रुपीस ट्वेंटी पर शेयर का लेके चल रहे हैं तो मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माय रिसोर्स टेस्ट तो मैं क्या करूंगा अपनी पेड अप कैपिटल रिजर्व पी एंड एल क्योंकि ये फ्री रिजर्व हैं और एसपीआर क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक ये भी मेरा फ्री रिजर्व है कैपिटल रिजर्व नहीं ले सकता इसका टोटल निकालूंगा 200 और 100, 300, 300, 200, 500, 500 और 300, 800. तो 800 का 25 परसेंट मैं यूज कर सकता हूं ठीक है तो 25 परसेंट यूज कर सकता हूं यानी मैं कितना पैसा यूज कर सकता हूं मैं 200 करोड़ यूज कर सकता हूं यह बात समझ में आ रही है अच्छा ये तो ये आ गया ना कि कितने रुपए यूज कर सकता हूं मुझे तो नंबर ऑफ शेयर चाहिए नंबर ऑफ शेयर दैट आई कैन बाय बैक तो वो कैसे आएगा टू हंड्रेड करोड़ डिवाइड बाय ट्वेंटी तो यानी ये कितना बाएक बाएक कर सकते हैं बेटा. है? तो ये एक तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ में आए एक काम करते हैं जो ये हमने लिखा है थ्योरी इसको इसी एग्जाम्पल की तरह एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें अगर तो इस पर क्या लिखा जाएगा बेटा नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बोट बैक इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में क्या रहेगा तो वो हमारा टेन ट्वेंटी फाइव परसेंट है ठीक है ना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ जो भी हमारे रिजर्व है और टोटल पेड अप कैपिटल है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका टोटल डअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व वैसे तो फ्री रिजर्व में इंक्लूड करना है फिर भी आपके ध्यान रखने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अलग से लिखवा रहा हूं डिवाइडेड बाय बायक प्राइस क्योंकि अल्टीमेट आपका जो गोल है वो ये पता लगाना है कि कितने शेयर आप बाय बैक कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा टेस्ट टू ठीक है ना टेस्ट टू कौन सा है रिसोर्स टेस्ट अभी तक हमने दो टेस्ट करे एक है नंबर टेस्ट और एक है रिसोर्स टेस्ट दोनों ही बहुत डिफरेंट है नंबर टेस्ट में आप सिंपली क्या कर रहे हो आप ये देख रहे हो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आउटस्टैंडिंग है और आप उनका 25% निकाल लेते हो और आप ये कहते हो कि मैं मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कर सकता हूं टेस्ट नंबर टू में आप ये देख रहे हो कि मैं मैक्सिमम कितने रिसोर्सेस यूज कर सकता हूं बाय बैक करने के लिए तो आप क्या करते हो आप अपनी टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जिसमें इंक्लूडेड है सिक्योरिटीज प्रीमियम

उसे हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशो टेस्ट डेट इक्विटी रेशो टेस्ट ठीक है अब ये डेट इक्विटी रेशो टेस्ट क्या चीज है बेटा आपको डेट इक्विटी रेशो पता है आपने ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा था रेशो एनालिसिस की बारहवीं में बारहवीं में रेशो एनालिसिस पढ़ा था बारहवी में रेशो एनालिसिस पढ़ा उसके अंदर आपने पड़ा डेट इक्विटी बहुत आसान डेट अपॉन इक्विटी दिस बेसिकली शोज द रिस्क दैट अ कंपनी हैज राइट हायर द डेट इक्विटी हायर द रिस्क क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है राइट right? तो डेट अपॉन इक्विटी है तो इसके अंदर अब एक बात समझें डेट नीचे इक्विटी बाय बैक का किस पे फर्क पड़ेगा क्या बाय बैक का डेट पे फर्क पड़ेगा डेट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा सर लोन थोड़ी वापस कर रहे हैं डिंचर्स थोड़ी रिडीम कर रहे हैं और ना ही नया लोन ले रहे हैं ना ही डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं हम तो यहां तो फ्रेश इशू करके शेयर को बाय कर लेंगे या तो सर हम क्या करेंगे हम आउट ऑफ प्रॉफिट शेयर को बाय बैक कर लेंगे राइट ये बात समझ में आती है ठीक है अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना इसका फर्क पड़ेगा डिनोमिनेटर पे यानी इक्विटी पे क्योंकि आप इक्विटी बाय बैक कर रहे हो राइट तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा इट right? इक्विटी कम हो जाएगी ना आप बाय बैक कर रहे हो तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा अब जब आपका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा बेटा तो प्लीज मेरी बात समझिएगा डेट इक्विटी बढ़ जाएगी है ना और रिस्क बढ़ जाएगा इसलिए like कहता देखो ऐसा है मैक्स टू मैक्स आप इतना बाय बैक कर लो कि आपकी डेट इक्विटी रेशो टू इस टू वन पहुंच जाए उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए समझ में आ रही है तो इसको जरा लिख लेते हैं ठीक है, लिख देते हैं के अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट पोस्ट बाय बैक डेट इक्विटी रेशियो शेल नॉट एक्सीड टू एस टू वन तो टू इज वन से ऊपर नहीं जा सकती इज दैट क्लियर यह बात समझ में आ रही है टू एस टू वन से नहीं जा सकती सर डेट इक्विटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना तो ये भी एक बार ही बता देता हूं सर डेट इक्विटी रेशो जो है उसका फॉर्मूला है सिक्योर्ड डेट्स प्लस अनसिक्योर्ड डेट्स डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ठीक है डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इज दैट क्लियर तो ये हमारा डेट इक्विटी का फॉर्मूला है ये बात समझ लेना और फ्री रिजर्व्स में बेटा जी आपको यह बात याद रखनी है कि इस परपज के लिए हम क्या करेंगे इंक्लूडिंग एसपीआर इंक्लूडिंग क्या करना अरे कहा गया अरे ये तो पेज ही चेंज हो गया एक सेकेंड हां तो यहां पे हमने क्या रखना है इंक्लूडिंग एसपीआर ठीक है भैया इंक्लूडिंग एस पी आर ओके चलो अब इसके अंदर एक नोट और बना लेते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा थ्योरी नोट है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब अ हायर रेशियो For certain classes of companies, ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किन्नी क्लासेज ऑफ कंपनीज के लिए इस रेशो को बढ़ा भी सकती है जो टूइ टू वन वाली है बेटा ये जो टूइ टू वन वाली रेशो का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको ना क्वेश्चन में ही ज्यादा प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी आपको बस इतना समझना है कि डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला ये होता है ठीक है और डेट इक्विटी रेशियो बायबैक करने के बाद जो बढ़ती है वो टू इज टू टु वन से ज्यादा नहीं जानी चाहिए अब एक दो तो सवाल आते हैं मन में सर अगर ऐसा हो कि बायबैक करने से पहले ही मेरी डेट इक्विटी रेशियो टू टु इस टू टु वन से ज्यादा हो तो क्या हो अगर ऐसा हो कि बायबैक करने से पहले ही मेरी डेट इक्विटी रेशियो टू अपॉन वन से ज्यादा हो तो बेटा आप बायबैक करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है समझो मेरी बात आप बाय बैक करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है क्यों क्योंकि आपकी ऑलरेडी डेट इक्विटी रेशियो से ज्यादा है अगर आप करेंगे इज नो वे वो कम हो जाए वो और बढ़ेगी से ज्यादा पोस्ट बाय बैक नहीं होनी चाहिए आपकी तो प्री बाय टू इज टू वन से ज्यादा है समझ में आ रही है क्लियर है अच्छा सर ये क्लियर हो गया कि अगर मेरी बाय बैक से पहले ही रेशियो टू इज टू वन से ज्यादा है तो मैं बाय बैक नहीं कर सकता लेकिन सर व्हाट इफ मेरी बायबैक करने से पहले रेशो टू इज टू वन हो इक्वल टू टू इज टू वन हो ऑलरेडी तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते क्योंकि वंस यू बाय बैक इट इज गोइंग टू वर्सन अप इट इज गोइंग टू इंक्रीज अगेन यू कैनॉट बाय बैक ठीक है ना इट इज ओनली इन वन केस दैट प्री बाय बाय बैक करने से पहले आपकी रेशो टू इज टू वन से कम थी तो ही आप थोड़ा बहुत बाय बैक कर सकते हैं जितना आपकी रेशो को मैक्सिमम टू टू वन तक ले आए समझ में आ रही है तो इस बात को अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए से समझेंगे बेटा ठीक है क्लियर है चलो तो आपकी बुक खोलते हैं देखते हैं उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है पेमेंट ऑफ अवर मजमे Uh, इसमें नहीं है शायद ये वाला पार्ट ये वाला बाद में करेंगे क्वेश्चन हमें बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बैक की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करना है ना ये वाला क्वेश्चन करेंगे चलो देखते हैं इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव है बेटा पेज नंबर फोर पॉइंट टू जीरो पे आई है आपकी बुक की इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव पेरोट लिमिटेड Uh, मेरे ख्याल से पेरोट ही प्रोनाउंस करेंगे इसको बट गरीब आदमी अंग्रेजी आती नहीं क्या बताऊँ कैसे प्रोनाउंस करेंगे मैं तो सेफ साइड पर पी लिमिटेड ही बोल लूंगा हाँ तो पी लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर ऑफ रुपीज टेन इंच फुल्ली पेड है तीन सौ तीस करोड़ रिजर्व इन सरप्लस में जनरल रिजर्व है दो सौ चालीस करोड़ सिक्योरिटीज प्रीमियम है नब्बे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नब्बे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है वन एटी ये फ्री नहीं है लोन फंड तो के एटीन हंड्रेड द शेयर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड ऑन ट्वेल्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड वन अ प्रपोजल टू बायक द मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी तो कंपनी के पास खूब पैसा है बाय बैक करने की बात कर रहे हैं द प्रेवलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज रुपीज ट्वेंटी फाइव पर शेयर एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर फॉर बाय टू ऑफर अ प्राइस ट्वेंटी बेटा यानी कि ट्वेंटी फाइव पर रुपीज का जो प्राइस है उस पर ट्वेंटी परसेंट और देंगे यानी पांच रुपए और देंगे यानी हमारा बाय बैक प्राइस जो है वो थर्टी रुपीज पर शेयर है ठीक है यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड

लोन फंड्स ऑफ द कंपनी वर ट्व हंड्रेड करोड़ और 1500 हंड्रेड करोड़ तो अगर देखें वैसे लोन फंड्स फंडीन हंड्रेड करोड़ हैं इन्होंने दो और सिचुएशन बताई है कि 1200 हंड्रेड करोड़ हो या 1500 हंड्रेड करोड़ हो ठीक है ना बेटा मेरी बात समझेंगे तो यहाँ पे तीन बार क्वेश्चन हमने ये सॉल्व करना है ठीक है अज्यूमिंग दैट दर बाय इज कंप्लीटेड बाय नाइन्थ डिसंबर टू थाउजेंड वन शो दीज इन दंपनी बुक इन सिचुएशन तो आपने अकाउंटिंग एंट्रीज भी करके दिखानी है तो सबसे पहले तो हमें क्या पता लगाना है मैक्सिमम नंबर ऑफ बेटा शुरू करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसे पहले कैसे निकालने हैं प्लीज आप ध्यान से देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉड बैक के लिए तीन टेस्ट है पहला टेस्ट है नंबर टेस्ट तो चलो इसको लिखते हैं ऐसे इलस्ट्रेशन फाइव ठीक है इसमें पहले केस वन बना लेते हैं केस वन में हमने कहा कि लोन फंड्स जो हमारी बैलेंस शीट में लिखे हैं वही हैं, ठीक है थोड़ा मैं इसको पेन को थोड़ा मोटा कर लेता हूं तो लोन फंड्स जो हमारी बैलेंस शीट में लिखे हैं वही हैं, यानी कि 1800 ही हैं। तो लोन फंड्स बेटा 1800 हंड्रेड करोड़ है ये केस कर रहे हैं अब हम ठीक है चलो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इसमें हम सबसे पहले टेस्ट वन चेक करते हैं जो कि है नंबर टेस्ट ठीक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कितना हो जाएगा विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ठीक है बेटा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं हम देखिए हमारे पास टेन रुपीज ईच के शेयर थ्री हंड्रेड एंड थर्टी करोड़ है तो बेसिकली अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स पता लगाना चाहूं तो इट इज थ्री थर्टी डिवाइड बाई टेन तो ट्वेंटी थ्री करोड़ शेयर ये थर्टी थ्री कैसे आया थ्री थर्टी डिवाइड बाई टेन एक शेयर की फेस वैल्यू है ना तो ऐसे करके निकल गया तो 25% परसेंट ऑफ 33 कितना आता है भैया जी चलो कैलकुलेटर निकाल लेते ठीक है तो हमें क्या निकालना है 33 का 25% 25% परसेंट परसेंट कितना आएगा 8.25 करोड़ 8.25 करोड़ ठीक है जी ये आ गया मेरा पहले टेस्ट का जवाब अब बात करते हैं टेस्ट नंबर टू की ठीक है इसमें बेटा हमने करना है रिसोर्स टेस्ट तो हम क्या करेंगे पहले ना अपना टोटल बना लेंगे कि पेड अप कैपिटल हमारे पास कितनी है तो देख लेते हैं पेड अप कैपिटल कितनी है पेड अप कैपिटल 330 करोड़ है तो 330 फिर फ्री रिजर्व्स देख लेते हैं जिनमें जनरल रिजर्व आ जाएगा जनरल रिजर्व है 240, फोर्टी फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम और एल दोनों आना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है 90 और एल भी है 90, ये इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं आना है क्योंकि इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए बना है ये फ्री नहीं है ठीक है तो इसका अब हमने टोटल करना है कैलकुलेटर से टोटल कर लेते हैं 330 करोड़ है प्लस 240 करोड़ है प्लस 90 करोड़ है प्लस 90 करोड़ है राइट तो ये आ गया आपका साढ़े सात ये टोटल आ गया इसका हम मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं 25 परसेंट तो साढ़े सात करोड़ को हमने बेटा मल्टीप्लाई करना है 25 परसेंट से तो ये आ जाएगा 187.5 तो जो मैक्सिमम रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं वो 187.5 करोड़ है तो इससे हम कितने शेयर्स बाय बैक कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक अगर हम देखें तो 187.5 करोड़ हमारे पास है और एक शेयर हम तीस रुपए का खरीद रहे हैं हमने बाय बैक प्राइस निकाला था ना याद है 25 परसेंट मार्केट प्राइस था उस पर ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं टू अट्रैक्ट शेयर होल्डर्स तो ये एक बारी करके देख लेते हैं इसको हमने क्या करना है अब डिवाइड करना है डिवाइड बाय थर्टी ये आ गया सिक्स करोड़ तो 6.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं जितने आप मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं एज पर योर रिसोर्स टेस्ट समझ में आ रहा है बेटा क्लियर है लास्ट टेस्ट की तरफ बात करेंगे टेस्ट नंबर थ्री कौन सा टेस्ट है डेट इक्विटी टेस्ट इसको अब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है लेकिन उससे पहले कि मैं इसको समझूं मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं डेट इक्विटी रेशो का डेट इक्विटी रेशो टेस्ट है ये और हम डेट इक्विटी का फॉर्मूला लिख देते हैं डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल्स टू सिक्योर्ड डेट प्लस अनसिक्योर्ड डेट डिवाइडेड बाय टोटल पेड़ अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन की थी कि अगर एक कंपनी की बायबैक से पहले ही डेट इक्विटी रेशो टू इस टू वन से ज्यादा है तो वो उस केस में बायबैक कर ही नहीं सकती तो इसलिए हम हमेशा पहले कंपनी की ना प्री बाय डेट इक्विटी रेशो चेक करेंगे इस क्वेश्चन में हमारा जो केस है उसमें हमने अट्ठारह करोड़ के लोन फंड लिए हैं और साढ़े सात सौ ये टोटल निकल के आया है हमारा पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का तो अगर मैं न्यूमरेटर में अट्ठारह करोड़ लेता हूँ और डिवाइड बाय सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी करता हूँ तो बेटा जो मेरी डेट इक्विटी रेशो जा रही है वो कितनी जा रही है देखें एटीन हंड्रेड डिवाइड बाय सेवन फिफ्टी तो इस केस में तो हमारा जा रहा है टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर टू वन जा रही है रेशो टू पॉइंट इस टू वन जा रही है क्या इसमें मैं कर सकता हूं बताओ जरा क्या इस केस में मैं बाय कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं मेरी अभी एग्जिस्टिंग बाय बैक रेशो डेट इक्विटी रेशो है वो टू पॉइंट इस टू वन है ऑलरेडी मेरा बिजनेस काफी रिस्की चल रहा है मेरी पोस्ट बाय बैक डेट इक्विटी रेशो टू इस टू वन होनी चाहिए ये तो और भी बढ़ जाएगी तो यहां पे आप लिख देंगे बाय बैक नॉट पॉसिबल या नॉट अलाउड सिंपल सी बात है अब अगर हम बात करें सिचुएशन टू की तो सिचुएशन टू में क्या बदलता है लोन फंड बदलते हैं लोन फंड उसके अंदर 1500 करोड़ लेने को कहा गया आपको चेक कर लें एक बारी. ही पे ये देखो 1200 है और फिर 1500 है तो चलो पहले 1200 करोड़ ले लेते हैं तो पहले 1200 करोड़ लेने को कहा गया आपको ठीक है अब देखते हैं क्या टेस्ट वन में कोई चेंज आया होगा टेस्ट वन में तो कोई चेंज नहीं आया टेस्ट वन में तो नंबर ऑफ शेयर थे ना और नंबर ऑफ शेयर्स को 25 से मल्टीप्लाई किया लोन फंड चेंज होने से क्या फर्क पड़ा यानी टेस्ट वन मेरा वही का वही रहेगा 8.25 करोड़ टेस्ट टू में भी रिसोर्सेज टेस्ट था तो उसमें भी लोन फंड कहीं नहीं था तो वो भी मेरा सेम रहेगा 6.25 करोड़ तो 8.25 और 6.25 सेम रहेगा तो टेस्ट वन 8.25 करोड सेम है टेस्ट टू 6.25 करोड सेम है टेस्ट थ्री मेरा डेट इक्विटी रेशो टेस्ट है मैं एक बार सबसे पहले काम आसान करने के लिए कंपनी की बायबैक से पहले वाली डेट इक्विटी चेक कर लेता हूं ठीक है ना तो कंपनी की अगर मैं डेट इक्विटी चेक करूं तो मेरे को पता है 1200 करोड़ मेरे लोन हैं डिवाइड बाय 750 मेरी टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है तो एक बार कैलकुलेटर में करके देखते हैं बेटा 1200 डिवाइड बाय 750 तो ये निकल के आता है वन इस वन। तो ये निकल के आ रहा है 1.6 यानी इसका मतलब है अभी मेरी बाय बैक रेशो टू इस टू वन नहीं है आई अ लिटिल स्पेस फॉर बाइंग बैक मैं कर सकता हूं तो मैं कितना बाय बैक कर सकता हूं यह आपको देखना है ठीक है मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा अब बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना है आपने मेरे साथ आप नीचे करेंगे लेट द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक बी एक्स समझ में आ रही है नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉड बैक बी एक्स ये बात समझ में आ रही है क्लियर है तो मैंने जितने भी नंबर ऑफ शेयर आई कैन बाय बैक मैंने उन्हें अज्यूम कर लिया टू बी एक्स समझ में आई ठीक है अब देखिए मेरी डेट इक्विटी रेशियो क्या होनी चाहिए टू अपॉन वन तो मेरी डेट इक्विटी रेशियो टू अपॉन वन के बराबर होनी चाहिए मेरा डेट कितना है ट्वेल्व हंड्रेड क्या इसमें कोई चेंज आएगा क्या इसमें कोई चेंज आएगा नहीं आएगा सर तो डिवाइड बाय 750 क्या इसमें कोई चेंज आएगा हाँ जी सर आएगा इसमें चेंज आएगा कि आप बाय बैक करेंगे बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से जब मैं बाय बैक करूंगा आफ्टर बाय बैक तो मेरे इफेक्ट क्या क्या आएंगे आफ्टर बाय बैक इफेक्ट ऑन टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व जरा ध्यान से सुने ठीक है सबसे पहले तो मेरी जो फेस वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी टोटल पेड अप कैपिटल से समझ में आ रही है और ऊपर से जो मेरा प्रीमियम अमाउंट है वो मैं कहां से प्रोवाइड फॉर करता हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम से सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका पार्ट है ना तो प्रीमियम अमाउंट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा फ्रॉम एसपीआर और अगर वो काफी नहीं है तो फ्री रिजर्व तो यानी कि अगर आप सोचें कि मेरी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ये क्या होता है मेरा बायबैक प्राइस ही तो होता है बाय बैक प्राइस ही तो होता है तो मेरा बाय बैक प्राइस जितना भी है टोटल नंबर ऑफ शेयर का वो मेरा डिनोमिनेटर में से रिड्यूस हो जाएगा तो बेटा एक बात सुनो मेरा बाय बैक प्राइस इन दिस क्वेश्चन थर्टी रुपीस है और मैंने नंबर ऑफ शेयर्स दैट शेयर बाय बैक एक्स ले रखे तो मैं क्या करूंगा इसमें से मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा सुनो मेरी बात ध्यान में से मैंने इसमें से माइनस कर देना थर्टी एक्स ये बात समझ में आ रही है क्या माइनस कर देना थर्टी एक्स क्यों माइनस कर देना है क्योंकि इफेक्ट क्या होगा मेरे टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व में आफ्टर मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ कि फेस वैल्यू जो है वो तो पेड अप कैपिटल में से माइनस हो हो जाएगी हो रही है ना और जो भी प्रीमियम आप पे करोगे उसे आप कहां से प्रोवाइड फॉर करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से या फ्री रिजर्व से वो भी तो आपके डिनोमिनेटर में ही है तो यानी कि फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों ही माइनस होने वाले हैं राइट तो फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों ही माइनस होने वाले हैं तो टोटल अमाउंट बायबैक प्राइस ही तो हुआ और एक और बात आती है इसके साथ एक और चीज होगी इसके साथ एक और चीज होगी आप ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर टू सी आर आर फ्रॉम फ्री रिजर्व समझ में आ रही है कितना ट्रांसफर करेंगे अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू कितना अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू है कि नहीं अच्छा एक बात बताओ क्या सीआरआर फ्री रिजर्व है नहीं सर सीआरआर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर सर तो बेटा जी फ्री रिजर्व में से फ्री रिजर्व कहां इस डिनोमिनेटर में है ना उसमें से और एक चीज निकल रही है सर क्या निकल रही है फेस वैल्यू निकल रही है तो सर कितनी रुपए की निकल रही है दस रुपए की एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा जी ये इक्वेशन समझनी बहुत जरूरी है आप क्या करेंगे फिर आप 30X का क्या मतलब है? आप एक बार बी प्राइस बाय प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से वो माइनस होगा और एक बार आप फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से वो माइनस होगा ये क्यों माइनस हो रहा है क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो रही है और जो प्रीमियम आप बायबैक से दे रहे हो वो आपके एसपीआर और फ्री रिजर्व को कम कर रहा है और ये जो फेस वैल्यू माइनस कर रहे हो ये इसलिए माइनस कर रहे हो क्योंकि सीआरआर में ट्रांसफर हो रहा है एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बैक समझ में आ रही है अब इसको आपने कैलकुलेट करना है तो मैं इसको नीचे दोबारा से लिख देता हूं एक बारी टू अपॉन वन शेल बी इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड अपॉन सेवन फिफ्टी माइनस थर्टी एक्स माइनस टेन एक्स समझ में आ रही है तो चलो इसको अब सॉल्व कर देते हैं लेट्स सॉल्व फॉर एक्स मैथमेटिक्स है सिंपल ये यहां पे जाएगा तो फिफ्टीन हंड्रेड माइनस एटी एक्स हो जाएगा ये थर्टी और टेन फोर्टी हो जाएगा ना वहां मल्टीप्लाई एटी एक्स हो जाएगा और यहां ट्वेल्व हंड्रेड रहेगा फिफ्टीन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व हंड्रेड इक्वल्स टू एटी एक्स एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय एट ठीक है बेटा जी तो यहां पे 300 हंड्रेड डिवाइड बाय एट करना है तो यहां पे एक मिनट 300 ही आएगा ना 8 नहीं है 80 है तो 300 हंड्रेड डिवाइड बाय एटी है बेटा एट्टी एक्स है ना तो 3.75 पॉइंट सेवन फाइव करोड तो 3.75 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक बैक कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा सुनो टेस्ट वन कह रहा है 8.25 करोड़ टेस्ट टू कह रहा है 6.25 करोड़ और टेस्ट थ्री कह रहा है 3.75 करोड़ तो इस केस में आपका आंसर होगा लीस्ट तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक कितना निकल के आएगा 3.75 पॉइंट ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं सिचुएशन टू में क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको समझ में आ गया तीनों चीजें ये एक्स वाला सीन समझ में आया प्लीज बेटा इसको ध्यान से समझ लो क्लियर है चाहे रिवाइंड करके दोबारा देख के समझ लो ये बहुत जरूरी है ठीक है चलो अभी आगे बढ़ रहे हैं सिचुएशन थ्री की तरफ सिचुएशन थ्री में मुझे याद है लोन जो आपका है वो फिफ्टीन हंड्रेड करोड का ऑप्शन है अच्छा टेस्ट वन का आंसर अभी भी सेम रहेगा मेरे ख्याल से कितना था एट पॉइंट टू फाइव था फिर दूसरे का सिक्स पॉइंट टू फाइव था है ना हाँ तो टेस्ट वन का आंसर तो अभी भी सेम रहेगा एट पॉइंट टू टेस्ट टू का आंसर 6.25 करोड़ चेंज होगा सिर्फ टेस्ट थ्री जैसे कि पिछली सिचुएशन में हुआ था टेस्ट थ्री आपका है डेट इक्विटी रेशो टेस्ट मैंने कहा था पोस्ट बाय होनी चाहिए ठीक है तो अगर प्री बायू वन या उससे ज्यादा है तो बाय करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो पहले मैं एक बारी प्री बाय यानी जो एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशो है वो निकाल के चेक कर लेता हूं टू बी सेफ राइट नहीं तो मैं सीधा एक्स लगाने में लग जाऊंगा और मेरा एक्स का आंसर नेगेटिव आएगा मेहनत बेकार जाएगी और फिर जाके पता लगेगा कि यार बाई बैक तो कर नहीं सकते एक्स का आंसर नेगेटिव आ रहा है ठीक है ना तो डेट इक्विटी रेशियो देखे तो इसके इसमें पंद्रह सो डिवाइड बाय सेवन है क्योंकि नंबर तो सेम ही है ना यार तो ये तो ऑलरेडी टू इज टू वन आ रहा है टू अपॉन वन आ रहा है तो ये तो ऑलरेडी मेरी जितनी मैक्स टू मैक्स हो सकती है वो है इससे ऊपर नहीं जा सकते बायबैक नहीं कर सकते इस केस में बायबैक नॉट अलाउड क्योंकि लीस्ट वाला पॉइंट आ गया ना बायबैक अलाउड ही नहीं है भाई लीस्ट वाला अमाउंट अलाउड होता है इसमें तो अलाउड ही नहीं है जीरो है इस टेस्ट में इज दैट क्लियर देखें जरा इसका आंसर एक बारी देखो इन्होंने तीन सिचुएशन बना रखी है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट यानी हमारा नंबर टेस्ट 8.25 8.25 8.25 रिसोर्स टेस्ट 6.25 6.25 6.25 और डेट इक्विटी रेशो टेस्ट इधर निल इधर हमने भी निल कर दिया था यहां 3.7 हमारा भी निकला निकला 3.75 3.75 3.75 और ये निकला है बेटा जी अब क्या आप इस वाले क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं ये आपके लिए होमवर्क है आप कर लेना इसकी जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री मैंने पहले ही करा दी है दो तीन क्वेश्चन की करा दी है अब आप ये आराम से कर सकते हैं अगर किसी को दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लीजिएगा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट हम इसे नंबर टेस्ट बुलाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है रिसोर्स टेस्ट हमारा भी वही है और डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट भी वैसे ही किया गया है कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा जी ये इन्होंने देखो वो एक्स लेके सॉल्व कर रखा है आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है इन्होंने एक्स और वाई दोनों लेके सॉल्व कर रखा है मैंने ज्यादा आसान तरीके से किया ठीक है प्लीज ध्यान देंगे और इसको समझेंगे बेटा पक्की बात है प्लीज ठीक है सबको समझ में आना चाहिए क्लियर है बेटा चलो फिर आगे बढ़ते हैं एक काम करते हैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं हम ताकि और हमें ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी टेस्ट ऑफ बाय बैक इसका और आइडिया लग जाए तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय निकालना है नहीं अनाउंस कर चुकी है तो नहीं निकालना देखो यहाँ पे ना जैसे वर्ड्स लिखे हुए ऑन फर्स्ट अप्रैल टू द कंपनी अनाउंस द बाई बैक ऑफ ट्वेंटी अनाउंस कर चुकी है इसका मतलब उन्होंने चेक कर लिया होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय बैक करने हैं और कितने नहीं करने हैं तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है अब क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी वॉन्स टू बाय बैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर तो ये थोड़ा अनश्योर स्टेटमेंट है और नीचे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कमेंट विद योर कैलकुलेशंस वेदर द बायक ऑफ शेयर ज विद इन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीस पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू वर्ड बाय बैक ऑफ शेयर एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बाय बैक ऑफ शेयर तो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू आइए हमारे लिए फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड एज ऑन थर्टी फोर्स मार्च टू थाउजेंड वन तो देखें अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है उनकी फुल्ली पेडअप बारह लाख पचास हजार शेयर है दस रुपए फेस वैल्यू रेवेन्यू रिजर्व में पंद्रह लाख है सिक्योरिटीज प्रीमियम में दो लाख पचास हजार है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा जी इनके पास सिक्योर्ड है आपके टेन लाख करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी सिक्सटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड है यानी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है लेकिन अब ये रिपेबल हो रही है विद इन द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ तो इसलिए इनका नाम दिया गया है करंट मेच्योरिटीज ऑफ

फ येस पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू वर्ड्स बाय बैक ऑफ शेयर एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बाय बैक ऑफ शेयर ठीक है कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा चलो इसको करना शुरू करते हैं हम ठीक है चलो फिर यहां पर लिखते हैं प्रॉब्लम टू कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक ठीक है जी इसमें सबसे पहले टेस्ट वन नंबर टेस्ट तो कितने मैक्सिमम 25 परसेंट कर सकते हो ना टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक इज इक्वल टू बेटा जी यहां पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं बारह पचास है ना और डिवाइड बाय टेन करना है तो एक लाख पच्चीस हजार हो जाएंगे ठीक है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये 1 कैसे आया बारह लाख पचास हजार डिवाइड बाय दस रुपए का एक शेयर ठीक है? तो कर लेते हैं, पे एक लाख पच्चीस हजार का ट्वेंटी फाइव परसेंट ना बेटा ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ये आ जाएगा थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो एज पर टेस्ट वन आप बाय बैक कर सकते हैं थर्टी वन टू फिफ्टी बात करते हैं टेस्ट टू की रिसोर्स टेस्ट तो जो मैंने इक्वेशन लिखाई थी वैसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल पेड़ अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और एसपीआर भी इसका पार्ट बनेगा डिवाइडेड बाय बाय बैक प्राइस ऐसे ही तो कर रहे थे राइट right? तो यहां पे क्या आ जाएगा 25% फाइव परसेंट ऑफ टोटल पेड़ अप कैपिटल देख लें बारह लाख पचास हजार रेवेन्यू रिजर्व पंद्रह लाख है बारह लाख पचास हजार रेवेन्यू रिजर्व पंद्रह लाख है फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम दो पचास और प्रॉफिट एंड लॉस एक पच्चीस तो प्लस दो लाख पचास हजार प्लस एक लाख पच्चीस हजार ठीक है ना ओके तो ये सारा टोटल है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट डिवाइड जो ट्वेंटी रुपीज था में, पहले ही मार्क कर लिया था यहां पे था ये रहा बाग बाग प्राइस 20 रुपीज पर शेयर ठीक है बेटा तो इस सब का टोटल कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर पे एक मिनट वो शीट भी निकाल लू और टोटल कर लेते हैं कितना कितना अमाउंट था एक एक था बारह लाख पचास हजार बारह लाख पचास हजार उसके अंदर ऐड करना है पंद्रह लाख फिर उसके अंदर ऐड करना है दो लाख पचास हजार फिर उसके अंदर ऐड करना है एक लाख पच्चीस हजार तो ये सब देखना है टोटल आ जाता है थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालना है फिर तो ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालना ना तो इसको मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी फाइव परसेंट से राइट तो ये आ जाएगा आपका सेवन लैख एटी वन टू फिफ्टी सेवन लाख एटी वन टू फिफ्टी इसको डिवाइड बाय करना है ट्वेंटी से तो सेवन लाख एटी वन टू फिफ्टी को डिवाइड बाय कर दिया ट्वेंटी से तो ये निकल आया थर्टी नाइन थाउजेंड जीरो सिक्स टू पॉइंट फाइव शेयर हैं तो जीरो सिक्स टू कर लेते हैं थर्टी नाइन जीरो सिक्स टू शेयर्स इतने आपने बाय बैक करने हैं थ्री नाइन जीरो सिक्स टू ये बात समझ में आई चलो तो ये हमारा हो गया रिसोर्स टेस्ट और लास्ट टेस्ट कौन सा हमारा टेस्ट थ्री टेस्ट थ्री है हमारा डेट इक्विटी रेशो टेस्ट डेट इक्विटी रेशो टेस्ट तो डेट इक्विटी रेशो टेस्ट बेटा जी सबसे पहले तो करंट डेट इक्विटी निकाल लेते हैं डेट अपॉन इक्विटी कर लेते हैं इक्विटी हमने निकाल रखी थी वहां पे अरे मैंने टोटल नहीं किया था थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड होगी मैं फिर भी एक बारी टू बी प्रिसाइज कर लेता हूँ यहाँ पे लिखा होगा हाँ ये रहा ना थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो बारह पचास प्लस पंद्रह लाख प्लस ढाई लाख प्लस एक लाख पच्चीस हजार थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो इक्विटी तो पता है जी थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डेट देख लेते हैं बेटा आप देखो डेट के बारे में बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना डेट इक्विटी रेशो में कई जगह ना डेट सिर्फ लॉन्ग टर्म लिया जाता है और कई जगह डेट की बात करी जाती है तो टोटल डेट लिया जाता है जिसके अंदर अंदर लॉन्ग टर्म टर्म और शॉर्ट भी लिया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट की जो जो बुक है जो का है का स्टडी मटेरियल उसके अंदर टोटल डेट लिया गया यानी करंट जो लाइबिलिटीज है हमारी उसको भी हमने इंक्लूड किया है टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो ठीक है मेरी बात दोबारा से सुनिएगा डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के दो नजरिए हैं पहला है कि डेट में हम केवल क्या लेंगे लॉन्ग टर्म डेट। दूसरा क्या है कि हम डेट में लॉन्ग टर्म एज टर्म डेट करेंगे है ना? ये बात समझ में आती है. तो आईसीआई तो का स्टडी मटेरियल जो फॉलो करता है वो करता है टोटल डेट वाली अप्रोच तो हम भी आईसीआई के पीछे लगेंगे भाई और टोटल डेट वाली अप्रोच फॉलो करेंगे यानी इस क्वेश्चन में देखो हमें 12 परसेंट डिवेंचर है ये लॉन्ग टर्म है अनसिक्योर्ड लोन्स हैं ये भी लॉन्ग टर्म है लेकिन ये जो करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ये भी ये जो शॉर्ट टर्म है इसे भी इंक्लूड करना है सो बेसिकली इट इज एटीन लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस टेन लैक्स प्लस सिक्सटीन लैक्स फिफ्टी थाउजेंड ये वाला भी तो कैलकुलेटर पे करके देखते एटीन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस थाउजेंड ये आया फोर्टी फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो नाउ इट्स एक्चुअली फोर्टी फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाय थर्टी वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो दैट कम्स आउट टू बी समे अराउंड वन फोर फोर पॉइंट एट वन पॉइंट फोर फोर एट सॉरी बाय वन तो अभी हमारा टूटू वन से कम है वी कैन बाय बैक सो नाउ लेट्स कैलकुलेट तो नाउ लेट द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक बी एक्स ठीक है जी फिर हम क्या करेंगे हमें टू इस टू वन की रेशियो चाहिए फोर्टी फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो सेम रहेगा चेंज आएगा थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में इसमें से एक ट्वेंटी एक्स माइनस होगा ट्वेंटी क्या है आपका बाय बैक प्राइस याद रखिएगा ट्वेंटी माइनस होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में से और जो प्रीमियम माइनस होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व में से माइनस होगा और एक सी में ट्रांसफर करना पड़ेगा टेन एक्स फेस वैल्यू ठीक है तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स कर लेंगे थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है ना तो ये सिक्सटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस सिक्सटी एक्स हो जाएगा इस गोस टू फोर्टी फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर अगर हम एक्स की बात करेंगे सिक्सटी टू लाख फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्सटी टू लाख फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये आ जाएगा सत्रह लाख पच्चीस हजार तो सत्रह लाख पच्चीस हजार डिवाइड बाय सिक्सटी तो इसको आपने डिवाइड बाय सिक्सटी करना है आपका आंसर आ रहा है ट्वेंटी एट सेवन फिफ्टी 28750 शेयर्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स यू कैन बाय बैक अकॉर्डिंग टू योर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट तो अगर हम अपने तीनों रेशो टेस्ट के बाद बारे बात करें टेस्ट वन, टेस्ट टू और टेस्ट थ्री. टेस्ट थ्री का तो 28750 है ऊपर देख लेते हैं टेस्ट टू का 39062 है यहां पे लिख देता हूं समराइज कर रहा हूं बस उटस्टैंड तो थार्टी वन टू फिफ्टी तो वो था वन टू फिफ्टी तो हम मैक्सिमम नंबर बाय बैक कर सकते हैं लीस्ट तो तीनों में से लीस्ट कौन सा ट्वेंटी हंड्रेड एंड फिफ्टी हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितने मैक्सिमम बाय बैक किया जा सकते हैं हमसे ये पूछा गया क्या कंपनी सही बाय बैक कर रही है विद इन लिमिट

तो अब नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है अच्छा नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो आपने पास करनी है क्या आपने ट्वेंटी है अरे नहीं भाई क्वेश्चन तो शेयर्स के बारे में बात कर रहा है वो हमने ट्वेंटी है ये तो हम सिर्फ चेक कर रहे थे अगर मान लो यहां पर सर ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ जाता तो हम कहते कंपनी बाय रही है वो वैलिड ही नहीं है कंपनी मैक्सिमम चौबीस हजार का बायक कर सकती है और फिर हम कुछ भी ना करते ये बात समझ में आ रही है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए तभी एंड हो जाता क्योंकि कंपनी लिखा if yes, if है तभी आप जर्नल एंट्री करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे वैसे मेरी बात सुनो बेटा इंस्टीट्यूट इतनी कच्ची गोलियां खेलता नहीं है इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं अगर उसने तुमसे जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट ना बनवानी हो वो चाहता है तुम तीनों काम करो तुम टेस्ट फॉर बाय बैक भी चेक करो तुम जर्नल एंट्रीज भी करो और तुम बैलेंस शीट भी बनाओ ठीक है तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे प्लीज ऐसे क्वेश्चन नंबर ऑफ जो हैं वो कैलकुलेट करने में में गलती ना करें इस चैप्टर अमाउंट ऑफ थ्योरी है हम थ्योरी भी करेंगे इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले मैंने आपसे इसका प्रैक्टिकल कंटेंट डिस्कस किया है अगर मैं पहली क्लास में ही थ्योरी शुरू हो जाता बेटा नींद आनी शुरू हो जाती ठीक है ना तो प्लीज याद रखें कि अभी हमने प्रैक्टिकल कंटेंट पढ़ा है ठीक है सर इसकी जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बेटा सब कुछ मैं ही कराता रहूंगा तुम क्या करोगे भाई होमवर्क नाम की कोई चीज है कि नहीं पिछले क्वेश्चन की भी जर्नल एंट्रीज बैलेंस शीट करनी है इसकी भी करनी है जर्नल एंट्रीज बैलेंस शीट इज दैट ओके क्लियर है अपने आप के लिए चलो बेटा तो फिर बाकी जो इस बात इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है एक और क्लास रखेंगे और फिर उसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे क्लियर ओके चलो शाबाश बेटा ध्यान रखो